हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करने जा रहे एक्सरसाइज 4.3 और ये एक्सरसाइज जाने वाली है बहुत ही अच्छी। अगर अभी तक आपने इसके बेसिक्स नहीं किए तो प्लीज़ पहले बेसिक्स करिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्टिसेस दे रखे ट्रायंगल के और कह रहे हैं कि एरिया बता दो। तो ध्यान से देखिए, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है इन सब का अगर हमने बेसिक्स किए तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर वर्टिसेस मान लो ये है तो इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका बी और इसका सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से मालूम है पहले से। हाफ हाफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। बस इसको सॉल्व कर लेना है और अपना एरिया आ जाएगा। हाफ किसके अलोंग एक्सपेंड कर ले, बहुत अच्छे से पता आपको, कॉलम सेकंड के अलोंग एक्सपेंड कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जीरो उसी में ही है। साइन भी हमें पहले से मालूम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इनके साइन क्या क्या है, माइनस इसका, तो इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, जो यहाँ पे लगाने वाले एक्सपेंड करते वक्त, है ना। तो इनके साथ साइन लगाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस थ्री लिख लिया। क्लियर। अब देखो चार कौन कौन बचे, आमने सामने वाले ख़त्म, आमने सामने वाले ख़त्म, तो चार ये बचे। तो वन की मल्टीप्लाई वन से वन, सिक्स की मल्टीप्लाई वन से सिक्स। अब बस सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया, माइनस थ्री बाई टू इंटू में वन में से सिक्स गया तो माइनस का फाइव, और ये कितना आया अपना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस फाइव से फिफ्टीन बाई टू, और साथ में क्या लगा दोगे, स्क्वायर यूनिट्स, क्या लगा दोगे साथ में, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बात, ये जरूर लगाने यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट्स को क्या दिखाओ, कोलिनियर। सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम जीरो दिखा देते हैं तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो वही कहानी अपने पास। तो हाफ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, और इसको हम अगर जीरो निकाल देते हैं सॉल्व करके, इसको जीरो बना देते हैं, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी कोलिनियर। क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल ऑपरेशन भी लगा सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डिटरमिनेंट खूब अच्छे से सीखते हुए आ रहे हैं हम, ऑपरेशन लगा लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। ऑपरेशन सी वन पे, सी वन प्लस में सी टू, तो ये क्या होगा, ऑपरेशन सी वन पे सी वन प्लस सी टू, तो ये तो हाफ ही रहेगा। इसमें जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ोगे तो भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ोगे तो भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, और ये आपका वन वन वन। अब सिंपल आप क्या करने वाले हो, ध्यान देंगे, हाफ इस फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकालने वाले हो आप ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम किसी एक कॉलम या किसी एक रो में से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम पहले कॉलम में से कॉमन निकाल रहे हैं। क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन निकाले तो क्या आएगा, वन वन वन, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, वन वन वन, और इसको आप हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या लिखोगे, जीरो। जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल, तो हम इसको जीरो लिख सकते हैं देखते ही डिटरमिनेंट की वैल्यू को, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, और यहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो और ट्राइंगल बनी ही नहीं भाई, तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनी नहीं, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए इसलिए ट्राइंगल नहीं बना रहे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पॉइंट्स आपके, सॉरी, ये पॉइंट्स जो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो जीरो हो गए ना, पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर, क्योंकि ट्राइंगल बना ही नहीं, एक लाइन पे पॉइंट है सारे, और लाइन पे पॉइंट है तो पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर। थर्ड मैं आपको बेसिक वीडियो में करवा के आ चुका हूँ, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा के आ चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट का यूज करके इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन निकालनी। तो सिंपल देखो आपको करना क्या, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका ए पॉइंट वन टू इस लाइन पे मान लो, और ये आपका बी पॉइंट 36 इस लाइन पे, और एक सी पॉइंट आप खुद से लेट करोगे इस पे,
खुद से लेट करोगे एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे, ये सी पॉइंट आपको खुद से लेट करना, आपका यही काम है बस यहाँ पे, तीनों पॉइंट किस पे लाइन पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो तो मतलब लेके चल देंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, हाफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन इज इक्वल टू जीरो, ये हम लिख सकते हैं इससे डायरेक्ट, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया इज इक्वल टू जीरो लिख दिया, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर होते तो भी तो यही कंडीशन होती है, ट्रायंगल का एरिया क्या आता है जीरो। सॉल्व कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, बिल्कुल आसानी से आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉल्व कर दो, हाफ एक्सपेंड कर लो रो फर्स्ट क्या लॉन्ग वन, ये कदम छ माइनस वाई, इसका साइन किसका होगा, रो फर्स्ट क्या लॉन्ग कर रहा हूँ ना एक्सपेंड, इसका साइन माइनस का होगा टू, ये खत्म थ्री की वन से थ्री, एक्स की वन से माइनस का एक्स, इसके साथ साइन किसका प्लस वन, ये खत्म थ्री की वाई से थ्री वाई माइनस का सिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है जीरो। अब वन बाई टू तो जीरो के अपॉन में जाके जीरो, बस बचा ये इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या क्या बचा है यहाँ से सिक्स माइनस वाई, और ये अपना कितना है माइनस का सिक्स प्लस का टू एक्स, और ये कितना है प्लस का थ्री वाई माइनस का सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, माइनस का सिक्स एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का फोर एक्स, माइनस का फोर एक्स, ठीक है, और प्लस का थ्री वाई माइनस का वाई प्लस का टू वाई, माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल हुए इज इक्वल टू जीरो, और इसको आप लिख सकते हो टू कॉमन लेके, टू कॉमन लेके वहाँ भेज दो, और माइनस टू कॉमन ले लो चाहिए, माइनस टू कॉमन लेके जीरो के अपन में जाके जीरो बन जाएगा, तो क्या आएगा टू एक्स और माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो, और यही अपनी क्या है स्ट्रेट लाइन की क्या है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्लियर, जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब ये कैसे पता चला ये इनसे पास कर रही है यानी ये लाइन, देख लो इसमें एक पॉइंट पुट करके देख लो, इसको सेटिस्फाई करता नजर आएगा, थ्री लगाओ सिक्स भाई टू इंटू थ्री सिक्स माइनस में सिक्स जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्रूव हो, तो ये मतलब सेटिस्फाई कर तो रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये इन्हीं पॉइंट्स के लाइन की इक्वेशन है, क्लियर, ओके।